इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में अब एक ही काम रह गया है कि किसी तरह से हर मामले को मजहबी तशद्दुद का रंग दिया जाए, ताकि जिस तरह भारत की मईशत जमीन में दिन ब दिन धसती ही जा रही है, अगर थोड़ा गौर किया जाए तो आज आखिरकार किस तरह सुशांत सिंह राजपूत मामले को भी हिंदू मुस्लिम करने की साजिश का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वैसे महाराष्ट्र में शिवसेना हुकूमत आई है, तब से भाजपा बेचैन है। लिहाजा एक एक्टर जो खुद डिप्रेशन में जाकर खुदकुशी करता है, उसे इतना उछाला गया कि मानो अब भारत में अगर सुशांत सिंह मामले का असल मुजरिम पकड़ा जाए तो भारत में खुशहाली आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी, महंगाई गायब हो जाएगी, देश सुजलाम सुफलाम बन जाएगा। अब देश में कोविड भी बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं रही। एक फिल्मी अदाकार की मौत पर जमीन आसमान एक कर दिया गया, मानो इसी मसले में तमाम मसलों का हल छुपा हुआ है। भाजपा की जानिब से बतौर मोहरा कंगना रनौत को उतारा गया, और वैसे भी कंगना रनौत को कोई जगह की जरूरत थी जो महाराष्ट्र हुकूमत महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ बोलकर बनाना था। लिहाजा कभी बंबई को पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर कहा, तो कभी ट्वीट या वीडियो के जरिए तशद्दुद आमोज बयान देना शुरू किया। भाजपा की ही शय पर कंगना रनौत तमाम मामलों को अंजाम दे रही। इस बात पर यकीन तब हुआ जब इसे तहफुज दस्ता यानी कि वाई प्लस सुरक्षा मरकजी हुकूमत की जानिब से दी गई। मतलब साफ है कि यह किसी की मौत को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि सियासी मुफाद हासिल करने के लिए किया कराया जा रहा है। खवातीन के हुकूक की बात करने वाले कंगना रनौत को तो बात करते हैं, पर जिस तरह रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, इस पर कोई नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी ने फिल्मी दुनिया में खुदकुशी नहीं की, जब कोई मामला सियासी मुफाद या सियासी इंतकाम लेने के लिए अंजाम दिया जाता है तो इस तरह सुबह शाम एक तरफ खबरें चलाया कर जहनों को मुंतशिर किया जाता है। सिर्फ अगर कंगना रनौत की बात की जाए तो शुरू से ही कंगना ने अपने मुफाद को हासिल करने के लिए हर किसी को निशाना बनाया है। आप इसके तमाम बयान को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मुखालिफ बयान देकर हिंदुत्व छवि हासिल करना चाहती है। वैसे भी भारत में जब से मोदी हुकूमत आई है, मुस्लिम विरोध के सिवाय इस मुल्क में कुछ हासिल हुआ ही नहीं है। अगर वजीर आजम की भी छवि इससे पहले कुछ अलग नहीं है, गुजरात फसाद में हजारों मुसलमानों के कत्ल आम ने तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की शनाख्त बनाई, और इसी तस्वीर ने भाजपा में एक अलग मर्तबा हासिल हुआ जो आगे चलकर मुल्क का वजीर आजम बनने में कारगर साबित हो। जितना मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करोगे उतना ही मर्तबा पार्टी में बढ़ता जाता है, और यही बात अक्सर सियासी मुफाद हासिल करने के लिए लोग करते रहते हैं, और कंगना ने भी यही किया। तभी तो मुंबई म्युनिसिपैलिटी की कार्रवाई पर बाबरी मस्जिद तोड़ने के बराबर या संजय राउत के बयान का जवाब देते हुए आमिर खान नसीरुद्दीन शाह की मिसाल जानबूझकर देते हैं। इससे भी आगे बढ़कर कंगना की बहन ने नेहल रंगोली के ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके कहा कि दिल्ली को सीरिया बना दिया, इन बॉलीवुड जिहादियों के सीने में ठंडक पड़ गई, कीड़ों की तरह इन्हें मसल दो। जितना भी मुस्लिम समाज के विरोध में बोलते रहोगे उतना ही सियासत में अपना मकाम पोखता होगा, और अब इसी वजह से भाजपा का टिकट कंगना को मिल सकता है, और इसकी तैयारी भी जारी है। कंगना किस तरह महान है इसकी कुछ मिसालें भी मिलती है। अक्सर मुहावरा कहते हैं कि जिस थाली में खाओ छेद कर देते हैं, यह मुहावरा कंगना पर बिल्कुल फिट बैठता है। हिमाचल प्रदेश से कंगना बंबई आई तो आदित्य पंचोली से दोस्ती की, फिर इसके खिलाफ इस कदर हुई के मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। कंगना किस कदर एहसान फरामोश है इससे साबित होता है कि जब इसे कोई नहीं पहचानता था, पंचोली ने पहचान कराई, खुद लिव इन रिलेशन में रही, और काम निकल गया तो शराब और ड्रग के नशे में पीटने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। अपने आप को बड़ी ही पाकीज़ा औरत साबित करने वाली कंगना खुद भी नशा करती थी, जो बाद में जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने बताया। इसके जरिए महेश भट्ट से दोस्ती हुई और 2006 में महेश भट्ट ने गैंगस्टर में पहला ब्रेक दिया। फिल्मी अदाकारा परवीन बाबी की जिंदगी से मुतासिर फिल्म काफी हिट हुई और कंगना को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। कामयाबी हासिल होने के बाद महेश भट्ट पर ही इल्जाम लगाने से कंगना रनौत पीछे नहीं है। 2008 में अध्ययन सुमन से लिव इन रिलेशन में रहने लगी। मधुर भंडारकर की फैशन फिल्म से अलग मकाम मिल गया। अनुराग बासु कंगना की पहली फिल्म गैंगस्टर के प्रोड्यूसर थे, पर जब अनुराग बासु की 2010 में
काइट्स फिल्म फ्लॉप हुई तो अनुराग बसु से ही ये भिड़ गई और इससे भी झगड़ा किया। फिल्म राज 3 की कामयाबी के बाद अध्ययन सुमन के साथ ब्रेकअप किया और इसके खिलाफ भी बोलना शुरू किया। इसी वक्त ऋतिक रोशन से झगड़ा किया जो काफी मशहूर है। कंगना ने ऋतिक पर रिलेशनशिप के कई आरोप लगाए थे। ऋतिक रोशन मामला पुलिस थाने तक पहुंचा तो अध्ययन सुमन भी ऋतिक रोशन की हिमायत में आया। और कंगना किस तरह साथ में रहने वालों को टॉर्चर करती है बताए। फिर तन्नू वेड मनु के डायरेक्टर आनंद एल राय जिसने कंगना के करियर को नया मोड़ दिया था इसके खिलाफ भी कंगना ने मोर्चा खोला। फिल्म सिमरन की रिलीज से पहले भी कंगना एक और झगड़े को लेकर सुर्खियों में आई। फिल्म के असर लेकर यानी कि राइटर अपूर्व असरानी थे मगर कंगना ने अपना नाम पोस्टर पर लिखवा दिया और अपूर्व असरानी के नाम को ही मिटा दिया। मनमानी जिंदगी जीने की आदि कंगना जिन्होंने भी इसकी मदद की और इस मकाम पर पहुंचाया इन्हें ही बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसी जहनियत को भाजपा के कायदों ने शिवसेना के खिलाफ मैदान में उतारा। वाज रहे के हर लिहाज से मरकजी हुकूमत से हिमायत हासिल होने के बाद बेहुदा बयान के जरिए सुर्खियां बटोरने का काम अब ये अंजाम दे रहे हैं। जाहिर है मुल्क कोरोना के दौर में अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजरा है। बेरोजगारी, महंगाई, बंद कारखाने, खुदकुशी करते किसान, कोरोना मरीजों में भारत पहले नंबर की तरफ बढ़ रहा है। गरीबी मियारी सतह पर है। सरहदों पर चीन हमलावर होने की ताक में है और भारत की गोदी मीडिया को सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सदमा लगा हुआ है। कंगना को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पिछले वाक्या से इस क्वीन की सीरत का अंदाजा हुआ ही होगा कि कंगना कितनी महान है। वैसे भी तमाम गोदी मीडिया की फौज के खिलाफ कुछ सच बोलने वाले 2-4 मीडिया बचे हैं। जरूरत है सच बोलने वालों की हिमायत करें। जमहूरियत आज इम्तिहान के दौर से गुजर रही है। लोकतंत्र को खत्म करने का मुकम्मल मंशा संघी विचारधारा के लोगों ने बनाया था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हटाकर मनुस्मृति को कायम किया जाए। हमेशा मजहब का खेल इसलिए खेला जाता है ताकि आवाम असल मुद्दों पर सवाल ही न पूछे। अब बहुत ही नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है। तमाम को फिरका परस्तों की साजिश को समझते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाए और देश की एकता अखंडता को बरकरार रखे। जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ हम सब ने मुत्तहिद होकर गुलामी से आजादी ली थी, एक और जंग मजहबी तशद्दुद नफरत के सौदागरों से लड़नी होगी जिन्होंने देश के तमाम हुक्मों को एक तरह से बेचकर गुलामी में ले जाने की साजिश रची है। मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब इस मुल्क को बचा सकती है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू भी पढ़ ले कुरान, अब मेरे दिल में है बस एक ही अरमान, एक ही थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।